एक यंग डेडिकेटेड स्टूडेंट ओबीडियन बेटी और एक लॉयल गर्लफ्रेंड टेसा जब कॉलेज में एक मिस्टीरियस बॉय हार्डिन से मिलती है और अट्रैक्टेड होती है तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। टेसा एक यंग लड़की जो स्कूल खत्म करके अब कॉलेज के लिए जा रही थी। उसे ड्रॉप करने उसकी माँ और बॉयफ्रेंड नोआ भी जाता है। हॉस्टल पहुँच कर उसकी रूममेट स्टेप के कपड़े और हरकतें देख उसकी माँ चाहती थी वो रूम चेंज करे क्योंकि इससे उसे डिस्ट्रैक्शन हो सकती थी पढ़ाई पे। लेकिन टेसा बोलती है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। वेल, ये तो बाद में ही पता चलेगा। एनीवेज, फिर वो दोनों चले जाते हैं। टेसा रूम में आती है, वो कुछ इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स भी ले आई थी, उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद था। कॉलेज के पहले दिन लैंडन नामक एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर शाम को वो जब नहा के रूम में आती है तो एक लड़के को उसकी बुक पढ़ते देखती है। टेसा थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो टॉवल में थी और चेंज नहीं कर पा रही थी। उसे वो स्टेप की बॉयफ्रेंड सोचती है, लेकिन स्टेप बताती है ये हार्डिन है मेरी दोस्त। स्टेप उसे पार्टी में चलने को बोलती है लेकिन टेसा मना करती है। हार्डिन जाते जाते उसे बुक का स्पॉइलर दे जाता है। अगले दिन कैफे में टेसा हार्डिन को फिर से नोटिस करती है। स्टेप उसे फिर से पार्टी में चलने को इनवाइट करती है। इस बार टेसा मना नहीं करती क्योंकि उसे भी पार्टी में जाना था। पार्टी में स्टेप टेसा को सारे फ्रेंड्स से इंट्रो कराती है। जेड, मॉली, जेस और हार्डिन भी था। वो लोग टेसा को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो ड्रिंक नहीं करती थी। फिर ट्रूथ और डेयर गेम में टेसा ट्रूथ चूज करती है। तो मॉली उससे पूछती है क्रेजियस्ट जगह जहाँ पर तुम इंटीमेट हुई हो। टेसा तभी वर्जिन थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और डेयर चूज करती है। तो उसे हार्डिन को किस करने का डेयर मिलती है। हार्डिन उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन टेसा गेम क्विट करके चली जाती है वहां से। फिर वो नोआ को कॉल करती है। टेसा पार्टी में है सुनकर नोआ नाराज होके फोन रख देता है। टेसा फिर ऊपर एक कमरे में जाती है और एक बुक देखने लगती है। तभी वहां पर हार्डिन आता है। ये कमरा असल में उसका ही था। टेसा पूछती है क्या तुम ड्रंक हो। हार्डिन बोलता है मैं ड्रिंक नहीं करता तुम्हारी तरह। हार्डिन को भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट था। हार्डिन बोलता है तुम्हारी डेयर अभी भी पूरा नहीं हुआ और क्लोज जाने लगता है। टेसा भी उसके प्रति आकर्षित होती है। वो दोनों किस करने ही वाले थे लेकिन टेसा को होश आती है और वहां से निकल जाती है। लिटरेचर की क्लास पे एक नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस को लेकर डिबेट में हार्डिन और टेसा पार्टिसिपेट करता है। हार्डिन को प्यार पर भरोसा नहीं था लेकिन टेसा की सोच एकदम ऑपोजिट थी। क्लास के बाद टेसा और लैंडन बात कर रहे थे। तब लैंडन बोलता है हार्डिन के डैड और मेरे मॉम डेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली हार्डिन मेरा ब्रदर हुआ और हार्डिन के डैड इस कॉलेज का चांसलर है। फिर स्टेप टैटू करा रही थी। टेसा को भी कराने को बोलती है तो टेसा बोलती है मेरी मॉम तो मुझे मार ही डालेगी अगर मैंने ऐसा कुछ किया। मेरी लाइफ में हर डिसीजन मॉम ही लेता है और नोआ भी उनके पसंद का ही है। अगले दिन कैफे में हार्डिन टेसा से बोलता है हम तो मिलते ही रहेंगे कॉज स्टेप मेरा दोस्त है तुम्हारा रूममेट। तो बीते बातों को भूल कर हम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। फिर हार्डिन उसे कुछ दिखाने के लिए एक जगह ले जाना चाहता था। पहले टेसा थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन फिर चलने को राजी हो जाती है। हार्डिन उसे एक जंगल के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर चल के एक ब्यूटीफुल लेक था। हार्डिन बोलता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है और पानी के अंदर तैरने चला जाता है। टेसा को भी आने को कहता है लेकिन उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं था तो हार्डिन उसे उसका टी शर्ट पहनने को बोलता है। फिर वो दोनों पानी में होता है तो टेसा पूछती है तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हार्डिन बोलता है खुद से। फिर हार्डिन उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, बोलता है तुम्हारे लिए वो क्या करता है। तो टेसा बोलती है वो बहुत नाइस है। हार्डिन बोलता है नाइस मतलब बोरिंग। हार्डिन बोलता है क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ और अंडर वाटर ले जाता है। साइलेंस बहुत पीसफुल है, हार्डिन बोलता है। बातों ही बातों में वो दोनों बहुत क्लोज आ जाता है। तब हार्डिन कहता है तुम्हारे साथ जस्ट फ्रेंड्स होके मैं नहीं रह सकता। फिर वो दोनों
किस करता है। पानी से बाहर आके हरिन पीछे से टेसा को टच करने लगता है। टेसा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हरिन बोलता है, क्या तुम्हें पहले किसी ने टच नहीं किया? टेसा बोलती है, नहीं। हरिन फिर रुक जाता है तो टेसा पूछती है, तुम रुक क्यों गए? हरिन बोलता है, हमारे पास अभी टाइम है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं। तब मॉली और जेट वहां पर जाता है तो हरिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वो दोनों वहां से जाने लगता है, लेकिन मॉली उससे क्लोज होने लगती है तो हरिन टेसा को बार में वेट करने को बोलता है। हरिन जब बार में जाता है तो टेसा पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम एम्बरेस्ड हो कि वो लोग हमें एक साथ देख लिया? मैं तो सोच रही थी नुआ को सब कुछ बोल दूं हम दोनों के बारे में। हरिन बोलता है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है तो करो, बट इसमें मुझे मत घसीटो। आज जो कुछ हुआ उसमें मुझे मजा आया, लेकिन मैं डेट नहीं करता। टेसा ये सुनकर अपसेट होके वहां से चली जाती है। रात में टेसा को हरिन के सपने आती है। अगले दिन नुआ कॉलेज आके उसे सरप्राइज देता है। शाम में नुआ के साथ टेसा पार्टी में जाती है जहाँ पर एक लड़का टेसा से बदतमीजी करने लगता है तो हरिन गुस्से में उसे बहुत मारता है। रात में नुआ टेसा के रूम में ही सो जाता है। तब टेसा को लैंडन का कॉल आता है। टेसा फौरन ही पहुंचता है। लैंडन और हरिन एक घर में ही रहते थे। लैंडन बोलता है, हरिन और उसके डैड के बीच खूब झगड़ा हुआ और तुम्हारा नाम भी उठा। हरिन बहुत ड्रिंक कर रहा था और सब कुछ तोड़ डाला, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया, क्योंकि वो मेरे बात तो नहीं मानेगा। टेसा फिर हरिन के पास जाती है। हरिन बोलता है, डैड शादी कर रहे हैं और उस तरफ मेरी गरीब माँ लंदन में अकेली है, और गुस्से से अल्कोहल के बोतल तोड़ देता है। टेसा उसे समेटने जाके इंजोर हो जाती है। हरिन उसकी फास्ट एड करता है और माफी भी मांगता है पिछले दिन के बिहेवियर के लिए। वो दोनों फिर किस करने लगता है और कर्ल करके सो जाता है। सुबह टेसा जल्दी से हॉस्टल के लिए भागती है। वहां नुआ था। वो पूछता है, रात में तुम कहाँ थी? तो टेसा ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। तब हरिन वहां आता है तो नुआ सब कुछ समझ जाता है और फौरन ही वहां से निकल लेता है। टेसा उदास होकर कुछ दिन किसी से बात नहीं करती। फिर वो हरिन के पास जाती है। टेसा बोलती है, बचपन से अब तक नुआ हमेशा हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहा। मैंने ठीक नहीं किया नुआ के साथ। नुआ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लाइफ में। फिर वो लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। एक दिन टेसा के रूम में वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं, तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। टेसा माँ को बाहर ले जाती है। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। वो चाहती थी टेसा अभी हरिन को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, लेकिन टेसा ये नहीं मानती और अपने माँ से ही बहस शुरू करती है। उसे अब उसकी माँ का सब कुछ कंट्रोल करना पसंद नहीं था। वो उसकी लाइफ अपनी तरह जीना चाहती थी, तो उसकी मॉम उससे रिलेशन कट करके वहां से चली जाती है और टेसा को वार्न भी करती है, ये लड़का तुम्हारे दिल जरूर दुखाएगा। फिर हरिन टेसा को उसके डैड का एक फ्रेंड के घर पे ले जाता है। वो अभी इटली में था। हरिन बोलता है, हम दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं। तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज है तो मुझे तो कुछ करना ही था तुम्हारे लिए। यहाँ हम पूरे साल रह सकते हैं। वो दोनों फिर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग हरिन के डैड के वेडिंग रिसेप्शन पे जाता है। ये देखकर उसके डैड बहुत खुश होता है। वो टेसा से पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो? टेसा बोलती है, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, लेकिन फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मुझे इकोनॉमिक्स परस्यू करना पड़ रहा है। तो हरिन के डैड बोलता है, मेरे दोस्त का एक पब्लिशिंग कंपनी है, अगर तुम चाहो तो इंटर्नशिप कर सकती हो। ये सुनकर टेसा बहुत खुश होती है। फिर उसके डैड टोस्ट करके सबसे बात करने लगता है। वो बोलता है, कैसे उसके न्यू वाइफ उसके लाइफ में नए दिशा दिया है। हरिन के बारे में भी अच्छे अच्छे बातें बोलता है। हरिन ये सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। वो टेसा को बोलता है, मैं जब 8 साल का था तब डैड बहुत नशा करता था। वो कुछ कुंडों से उलझ गया और इसके लिए वो लोग डैड से बदला लेने के लिए घर पर पहुंच गया, लेकिन डैड तब घर पर नहीं था तो वो लोग मॉम को ही हैरस करने लगा। हरिन बहुत गुस्सा होता है और डैड से फाइट शुरू करने ही वाला था, लेकिन टेसा उसे वहां से ले जाता है
और वो दोनों कुछ देर डांस करता है और उस रात वो लोग पहली बार इंटीमेट होता है। फिर कॉलेज में मॉली टेसर से मिलती है, वो दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। मॉली को पता लगती है हार्डिन और टेसर डेट कर रहे थे। फिर शाम को टेसर जब रूम में होती है तब हार्डिन के फोन पर मॉली की बहुत सारी SMS आई होती है जिसमें वो टेसा को सब कुछ बोलने की बात कर रही थी। टेसा इसके बारे में हार्डिन से पूछती है। हार्डिन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे इग्नोर करो और वहां से चला जाता है। बहुत रात होने के बाद भी हार्डिन घर नहीं आता तो एक फ्रेंड से उसे एक पता मिलता है जहां पर जाने के बाद टेसा देखती है उसके सारे फ्रेंड्स वहां पर था। स्टेप पूछती है तुम अभी कहां पर रह रही हो, तो टेसा बोलती है मैं और हार्डिन एक साथ ही रह रहा हूँ। फिर हार्डिन भी वहां पर आता है। टेसा हार्डिन पे शक करने लगती है लेकिन हार्डिन उसे उसके ऊपर बिलीव करने को बोलता है। तब मॉली बोलती है बस बहुत हुआ, उसे अब सब कुछ बता दो। टेसा पूछती है क्या सब, तो मॉली एक राज खोलती है। वो बोलती है ट्रूथ और डेयर गेम के दिन हार्डिन एक बेट लगाया था तुम्हें प्यार में फंसा के फिर छोड़ देने का, ये सब एक गेम था। टेसा बोलती है तुम सबको ये पता था, और वहां से जाने लगती है। हार्डिन उसे रोकता है, बोलता है ये सब बहुत पहले की बात है, मैं तुम्हें तब जानता ही नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पर टेसा कुछ नहीं सुनती और अपसेट होके अपने मॉम से मिलने चली जाती है और उनसे माफी मांगती है। उसके मॉम भी उससे माफी मांगती है सब कुछ उसके ऊपर थोपने के लिए। फिर वो नोआ से मिलती है और उससे भी माफी मांगती है और बोलती है मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहती थी। नोआ भी उसे माफ कर देता है। फिर टेसा उस पब्लिशिंग कंपनी में अप्लाई करती है। देखते ही देखते टेसा की सेमेस्टर खत्म होने को आई थी। एक दिन क्लास में उसकी प्रोफेसर हार्डिन के एक लेटर उसे देता है। उसमें हार्डिन ने लिखा था मैंने बहुत नोवेल पढ़ा जिसमें प्यार को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स दिखाया गया, जो किसी भी डैमेज को ठीक कर सके, सर्वाइव करने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे ये सब बकवास लगता था। मुझे लगता था प्यार सिर्फ बुक में और कहानी में ही होता है, लेकिन मेरा ये नजरिया बदल गया जब मैं तुमसे मिला। तुमने एक दिन पूछा था मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो तुम हो। फिर हम टेसा को उस लेक के पास बैठी हुई पाते हैं और हार्डिन भी उसके पास आके बैठता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, क्या टेसा हार्डिन को माफ करता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसके पार्ट 2 को देखना पड़ेगा।